नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। यूपी की टॉफ माफिया की लिस्ट में शामिल संजय उपाध्याय के गुलहरिया थाना क्षेत्र के मुगलहा के अवैध मकान पर जीडीए का बुलडोजर चला। आपको बता दें कि माफिया संजय उपाध्याय माफिया विनोद उपाध्याय का भाई है, जिसके मकान पर जीडीए का 17 जून को बुलडोजर चला था। अब उसके भाई संजय उपाध्याय के मकान पर जीडीए का बुलडोजर चल रहा है, जो कि 25,000 का इनामी है और वांछित चल रहा है। संजय उपाध्याय के ऊपर रंगदारी मांगने के 2 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इस संबंध में एसपीसीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि माफिया संजय उपाध्याय शासन द्वारा चिन्हित माफिया विनोद उपाध्याय का भाई है, जिसने सरकार के कोल्ड स्टोरेज के जमीन पर कब्जा किया था और बिना नक्शे के मकान बनवा लिया था, जो कि 2.5 करोड़ रुपए हैं, जिसके ऊपर रंगदारी मांगने के कई मुकदमे दर्ज हैं, जो कि 25,000 का इनामी है और वांछित चल रहा है। यदि संजय उपाध्याय ने सरेंडर नहीं किया तो इनाम की राशि बढ़ाई जाएगी और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस अवसर पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारीख सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, जीडीए के मुख्य अभियंता कृष्ण सिंह ने कहा, उपाध्याय ने बिना मानते स्वीकार कराए हुए जीडीए से अवैध निर्माण किया है और लगभग ये 250 स्क्वायर मीटर के भूखंड क्षेत्र पर निर्माण किया गया है। 1 मंजिला निर्माण है ये, जिसका कवरेज लगभग 200 स्क्वायर मीटर है और इसकी कुल लागत लगभग 2 करोड़ रुपये हैगी। और इन लोगों को हमने 19 मार्च 2021 को एक नोटिस शामिल कराया गया था और इनको पर्याप्त समुचित अवसर दिया गया था सुनवाई का, और इनके विरुद्ध 20 मई 2021 को हमने दुष्टीकरण आदेश पारित किया, जिसका क्रियान्वयन आज हम लोग कर रहे हैं। कितने की संपत्ति हुई है ये? लगभग 2 करोड़ रुपये की में इसकी संपत्ति की। 1 हफ्ते पूर्व हमने इनके भाई के विरुद्ध भी एक कार्रवाई करी थी, जो सामने एक तरीके से आपको दिखाई दे रही है, इनका भी मकान ध्वस्त किया गया। जनपद गोरखपुर के शासन चिन्हित माफिया विनोद उपाध्याय के गैंग के सदस्य हैं, उनके भाई संजय उपाध्याय द्वारा यहाँ पे सरकारी जमीन, करोड़ों की सरकारी जमीन, उस पर कब्जा किया गया था। उस सरकारी ज़मीन को आज जीडीए द्वारा बुलडोजर चला के मुक्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ इस पर बिना नक्शे का मकान जो बना था उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी है और ये फरार है। इस पर रंगदारी एवं अकूटरची दस्तावेज तैयार करने का कई मुकदमे इस पर दर्ज हैं। उसके साथ साथ कुछ दिन पहले यहाँ पे माफिया विनोद उपाध्याय का भी, जो बिना नक्शे के और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके आवास जो बनाया गया था उसको भी ध्वस्त किया गया था, उसी अनुक्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। जो अंकन है करीबन 2.5 से 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिस पर ध्वस्तीकरण करके इसको मुक्त करवाया जाएगा। थैंक यू।